शिल्ले टोलसन जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसी की पोईम पढ़ रहे हैं तो ये एक अंग्रेज राइटर थी इंग्लिश राइटर पोइट जर्नलिस्ट और एंड लोकल पोलिटिशियन ये इसका करियर में ये चीजें रही हैं इसकी ये राइटर थी पोइट थी पोइट्री थी पढ़ रही है इसकी पोईम पढ़ रही हैं हम तो टोलसन की स्कूलिंग वहीं पे हुई ये मतलब अंग्रेज थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर में इसने सर्विस दी अपनी इसने नॉर्मन टोल्सन से शादी की थी इसलिए वो टोल्सन बन गई एक आर्मी लेफ्टिनेंट था पैदा हो गई ये 20 फरवरी 1924 को यानी ऑफ 1924 और इसकी जो डेथ हो गई वो है ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी बिल्कुल रिसेंटली इसकी डेथ हो गई काफी लंबी उम्र इसने तो ये कैथलीन टोलो तो, टोलसन तो, तो, की बैकग्राउंड है इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं और इसी की पोएम हम पढ़ रहे हैं आगे जो जिसका नाम है जो अभी, अभी हमको पता है कि क्या अ फोटोग्राफ शोलसन की पोएम पढ़ते हैं हम अ फोटोग्राफ जो आपके स्क्रीन पे अभी आ रही है इसके आ, जो भी है ये पोएम है शिल् टोलसन की लिखी हुई तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसकी इंट्रोडक्शन लेते हैं उसके बाद हम आते हैं इसके अगले पॉइंट पर सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करते हैं इसकी तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है स्क्रीन पर इस पोइम के बारे में जिसको मैं बताता हूँ आपको ये है क्या फोटोग्राफ इज अ डिस्क्रिप्शन स्ट्रांग वन अबाउट लॉस रेमस एंड चेंज विद टाइम ये है फोटोग्राफ में खास चीज ये डिस्क्रिप्शन है Uh, बल्कि एक अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन है लॉस की इंसानी नुकसान की पिछली यादों की की या वक्त के साथ जो चेंज होती है उसकी द बेस्ड ऑन फोटोग्राफ दोटोग्राफ टॉक्स ऑफ हर लव मदर एंड हर डेथ एंड सेंस ऑफ एक्सट्रीम लॉस क्योंकि ये पोएम पूरी की पूरी बनी है फोटोग्राफ पर यह मतलब ये मैं कह सकता हूं कि इस पोएम को लिखा है शिले टोलसन ने जैसे कि उसके सामने फोटोग्राफ पड़ा है उसको देख रख के तो उसने ये पोएम लिखी है इस तरह की इसकी डिस्क्रिप्शन है ऐसे उसको बनाया गया इस पोएम को इस तरह से लिखा गया और वो उसमें इस फोटोग्राफ में बात करती है अपनी माँ की माँ के बारे में बात करती है इसमें पहले इसमें इसमें तीन स्टैंड में बात होती है पहले स्टैंड में बात आती है खाली फोटोग्राफ की के, के उसमें इसकी माँ जब वो छोटी होती है अभी अनमेरिड होती है तो वो उसको जब वो बची होती है जब हम ये कह सकते हैं जब वो बची होती है तो उस दौर में वो बीच पर जाती है उसके दो कजिन अपनी सिस्टर्स के साथ दो कजिन सिस्टर्स और होती हैं उसके साथ और ये और वो वहाँ एक कैमरामैन उनको एक फोटोग्राफ लेता है और उसी फोटोग्राफ को देख रही है ये हमारी आ, जो ऑथर है या जिस पोएम में जो स्पीकर है तो फिर वो लिखती है पहले स्टैंडर में तो यही बात आती है फिर तो दूसरे स्टैंडर में बात आती है कि किस तरह से माँ भी इस फोटोग्राफ को देख के हंसती थी मुस्कराती थी खुश होती थी तो अब उसकी डेथ के बाद इसकी बेटी भी उसी फोटोग्राफ को देख के उसको भी खुशी वापस होती है क्योंकि डिफरेंस हम पढ़ेंगे इस पोएम के अंदर तो Uh, इस uh, पोईम से फिर ये पता चलता हमें कि उसको एक लॉस होता है बहुत ही गहरा लॉस है बहुत बड़ा नुकसान है उसको अपनी माँ की डेथ का और दूसरी बात है चेंज है टाइम के साथ तो वो भी मतलब वक्त के साथ दुनिया आगे निकलती है तो उस लॉस का भी एहसास है उसमें तो यही लिखा है इसने आर एंड सेंस ऑफ एक्सट्रीम लॉसम इज टचिंग इन जो है बहुत ही Movie, करने करने वाली 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 बहुत बहुत ही ही जज्बाती बनाने और और टच देने है है जाहिर तो यूनिवर्सली होता है, जो है होता हर इंसान को कोई ना कोई जिंदगी में लॉस होता है डेथ होती रहती है हर इंसान को अपने रिश्तेदार की डेथ किसी अपने की डेथ ये चलता रहता है दुनिया में तो ये लॉस एक्सपीरियंस है यूनिवर्सली

माँ के बाद मा, माँ की मौत के बाद अकेली डाटर जो है हमारी आथर वो देखती है इसको आफ्टर मदर्स डेथ मदर की मौत के बाद एंड द फीलिंग्स टू रिमार्केबल और फिर दो ओकेजन दो एहसासात दो वक्तों के एहसासा दो ओकेजन के दो मौकों के एहसासात जो को रिलेट किए गए हैं जो उनको किस तरह से आपस में जोड़ दिया गया है उनकी एक रिलेशन डेवलप की गई उनको कैसे इकट्ठा किया गया है दो उन मौक़ों को इस पोए के अंदर वो बहुत ही रिमार्केबल है बहुत ही काबिल है रिमार्केबल होता है जिसकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है ग्रेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इस तरह का फिर कोरिलेशन करना इन दोनों बातों को तो अब हम बेहतर है कि हम सीधा ही पोएम पे आते हैं उसको सीधा पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ना शुरू करते हैं हम पोएम को जाहिर है शिले टोल्सन की लिखी हुई पोईम है ये तो पढ़ना हम शुरू करते हैं फ़ोटोग्राफ तो मैंने पहले ही कहा ये फ़ोटोग्राफ ये जो तस्वीर खींची गई थी जब इसकी माँ छोटी थी और उसको लिया गया था बीच पर अपनी कजिन सिस्टर्स के साथ और उस वक्त ये तस्वीर ली गई थी तो हम पढ़ रहे हैं सीधा पोइम में इस बात पर आ जाएंगे और ये बता दूँ मैं ये जो हमारा फोटोग्राफ जो होता है वो उस तरह का नहीं है जो पहले हुआ कर ये पढ़ते हम इस पोएम में आ जाएगा और कहता है कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि किस तरह से, किस तरह तरह से का था when the two girls, girl cousins went paddling। जब दो गर्ल कजिन्स पैडलिंग, पैडलिंग पर गई पैडलिंग पर मतलब पानी में जो बीच पर जो खेलती है ना लड़कियां या लड़के या कोई भी जो पैरों के साथ खेला जाता है तो उसको कहा जाता है पैडल पैडल करना तो कार्डबोर्ड यही दिखाता है कि किस तरह से दो गर्ल का पैडलिंग करती हुई गई वो पैरों में अपने पैर पानी में डालते हुए चल पड़ी आगे ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स और दोनों पकड़े हुए थी ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स और दोनों पकड़े हुए थी मेरी माँ का Osionfish. एक हाथ यानी एक इसकी माँ का एक हाथ एक गर्ल काजिन ने पकड़ा था दूसरी तरफ से दूसरी गर्ल काजिन ने दूसरा हाथ पड़ा था ये दिखाता है कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड शूज कार्डबोर्ड से मतलब है फोटोग्राफ और ये कार्डबोर्ड से मतलब ये है कि कार्डबोर्ड का मतलब फोटोग्राफ इसलिए है कि पुराना जो फोटो आता था जो बनाया जाता था तब के दौर में जब फोटो आता था वो एक मोटे से आ, कागज़ पे आता था मोटे गत्ता जैसा कागज उस पे अब बन के आता था इसलिए और उसको बहुत ही अच्छा मतलब फिर फ्रेम श्रम में डाल के तो फोटोग्राफ बनाया जाता था अच्छी तरह से सजा के जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ आपको दिखाऊँगा कि किस तरह का फ्रेम्ड फोटोग्राफ बनाया जाता था अच्छा दिखने के लिए ताकि समझ जाए ये हमें अच्छा लगे तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त ये फ्रेम है फ्रेम के अंदर फ़ोटो सजाया जाता है कार्डबोर्ड यही कार्डबोर्ड जो दिखा देखा इसमें पोएम में हमने पढ़ा तो वो एक्चुअली इसी तरह का एक कार्डबोर्ड है यानी कि एक फ़ोटोग्राफ इस तरह से फ्रेम के अंदर सजाया गया है ये मुझे अंदाज़ा लगता है ये एक लैंडस्केप का अंदाज़ है इस, इसको बोलते हैं ये जो इसकी गर्द हाइट से अगर ज़्यादा है तो इस तरह के फोटोग्राफ को बोलते हैं लैंडस्केप साइज स्टाइल वाला फोटोग्राफ और दूसरा ये बताता हूँ ये इस तरह का जिसकी हाइट ज़्यादा होती है व्यक्त काम होती है तो ये पोर्ट्रेट अंदाज का फोटोग्राफ होता है, तो आमतौर तो से पुराने जो फोटोग्राफ्स इसी तरह के होते थे पोर्ट्रेट्स लेकिन अगर सीनरी दिखानी है अगर ज़्यादा एरिया को दिखाना है नेचर को दिखाना है, तो फिर लैंडस्केप का अंदाज था आज भी वही उसी तरह से चला चलता है ये आ, मतलब फैम में इस तरह से बनाया जाता है तो अब हम आते हैं एक्चुअल पोएम पर तो कार्डबोर्ड जो है यहाँ जो हमने पढ़ा अभी हमने द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वैन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स तो इस कार्डबोर्ड पे ये हम तो मैंने पहले ही कह दिया शिले टोलसन के साम, सामने एक फोटोग्राफ है एक फोटोग्राफ उसके आंखों के सामने है और वो वो कहती है कि ये दिखाता है कि किस तरह से दो गर्ल कजिन्स दो लड़कियां जो हैं इसकी इसकी माँ की वो पैडल करते हुए चली गई वन वन माई मदर दोनों हुई थी इसकी माँ के एक एक हाथ यानी एक तरफ से एक हाथ पकड़े हुए थे इसकी माँ का दूसरी तरफ से दूसरा पकड़े हुई थी इसकी माँ का हाथ और कहाँ चली गई पैडलिंग चली गई पैडलिंग से साफ मतलब ये है कि ये बीच पर है एक समंदर के किनारे पर हैं। ये और ये आ, बीच पर बीच किसको कहते हैं वो समंदर के किनारे को कहा जाता है बीच और बीच पर आमतौर से लोग जाते हैं सैर तफरी के लिए शुगल के लिए और ये आ, तब भी एक अंदाज था ये आज भी एक अंदाज है इस तरह से लोग बीच पर जाते हैं एंड शी गर्ल और वो बड़ी लड़की यानी कि दो लड़कियों को पकड़े हुए एक ये, ये एक्चुअली फ़ोटोग्राफ में है दो लड़कियों को पकड़े हुए है इसकी माँ एक हाथ एक साइड से है पकड़े हुए दूसरी आ, दूसरी लड़की दूसरी साइड से दूसरा हाथ इसके माँ का पकड़े हुए है और ये इसकी माँ जो है वो बड़ी लड़की है यानी कि दो वो जो कजन गर्ल्स हैं वो इससे उम्र में या में छोटी होंगी और ये बड़ी लड़की है उनके दरमियान में सम ट्वेल्व ईयर्स और और ये बड़ी लड़की की के, के एज लिखी है इसने समल ईयर्स सो इस तरह से कि जैसे बारह साल की या इस तरह की और सो से मतलब है इस तरह की बारह से थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी इतनी उम्र थी उसकी ये जो बिग गर्ल इसकी माँ की जो के लिए इसने अपनी माँ के लिए लिखा है बिग गर्ल यानी कि वो तीन लड़कियों में बिग गर्ल, गर्ल लड़की सबसे बड़ी लड़की थी तो इसकी एज जो थी बारह साल की या इस तरह की एज थी इसकी माँ की और यहाँ मैं बता दू एक बात ये जो डैश है बीच में डैश लाया है तो ये एक्सप्रेस करता है एक ब्रेक, एक पाज, एक ब्रेक छोटा सा वक्त था अपनी इस, बात करने में पोईम पोइट्री पोईम की लाइन में बीच में इस तरह का वक्फा आ जाए जैसे यह नीचे भी एक वक्फा है तो जैसे यह फुल स्टॉप करके एक वक्फा क्रिएट किया गया यहाँ डैश डाल के वक्फा क्रिएट किया गया इस तरह का अंदाज जो है जहाँ कामा फुल स्टॉप या कुछ भी डाल के बीच में एक पॉज पैदा किया जाए इस तरह के अंदाज को कहा जाता है हम पढ़ेंगे ये पोइटिक डिवाइसेस में आता है इसको सजूरा कहते हैं तो ये सजूरा का अंदाज है और जहाँ एक और तरीका है जहाँ लाइन के एंड पे भी कोई पाज नहीं हो जैसे यहाँ कोई भी लाइन पे लाइन यहाँ खत्म नहीं होती सीधे आगे निकल जाते कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज द टू गर्ल का जींस अगर देखा जाए तो सेंस ये कंटिन्यू चलती है पहली लाइन की और फिर दूसरी लाइन की और ये कामा तक आती है पूरी सेंस तो जहाँ जहां पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो इसको कहा जाता है ये टेक्निकल जो डिवाइस है इसको कहा जाता है जैम बैट एंड तो ये दोनों अंदाज इसने ये इस्तेमाल किए यहाँ से भी और एंड भी ये पोटिक डिवाइस में से डिवाइसिस है तो आगे बढ़ते हैं ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर और सारी की सारी तीनों की तीनों ऑल थ्री तीनों की तीनों स्टूड स्टिल वो खामोश बैठी रही टू स्माइल थ्रू देयर हेयर कि वो मुस्कुराएं अपने हेयर के अपने बालों में से होते हुए यानी कि चेहरे के दोनों साइड से बाल हैं इनके लड़कियां हैं दोनों जाहिर है बाल थोड़े लंबे आते होंगे दोनों साइड से चेहरे के और इनके दरमियान में से ये मुस्कुरा रही हैं बालों के दरमियान में से तीनों की तीनों लड़कियां कैमरा अंकल पर जो कैमरा लिए हुए बहरहाल बार, जो फोटोग्राफ ले रहा है वो कोई अंकल है कैमरा लिए हुए अ स्वीट फेस स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न अब ये आ, उस पुराने दौर की बात रिलेट करना चाहती है बताना चाहती है शिले टोल्सन कि मेरी माँ का चेहरा बहुत ही एक स्वीट फेस था एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा चेहरा था स्वीट फेस इसकी माँ का और वो किसका इसकी माँ का माई मदर्स इसकी माँ का यानी कि शिले टोल्सन अपनी माँ के को उसमें देखती हुई फोटोग्राफ में देखती हुई बोल रही है माई मदर्स दैट वॉज बार्न दैट वॉज बिफोर आई वॉज बार्न और ये तब पे पहले था जब से मैं पैदा नहीं हुई थी जब मैं पैदा नहीं हुई थी जब इसका फोटोग्राफ जैसे ज़ाहिर है जब इसका फोटोग्राफ उठाया गया था तब तो ये बारह साल की लड़की थी छोटी एक लड़की थी तो ये पैदा नहीं थी हुई थी और यहाँ जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है इसकी माँ का तो इसी के लिए कहा इसने बहुत ही स्वीट फेस है बहुत ही खूबसूरत चेहरा बहुत ही मीठा चेहरा इसकी माँ का और ये तब था जब ये पैदा नहीं हुई थी तो एक अंदाज़ से भी लगता है कि किस तरह से वक्त बदलता है और वो मुस्कुराहट आगे पढ़ेंगे हम कि वो फिर वो मतलब उस तरह का नहीं रहता है जो बचपन का चेहरा होता है उस तरह का नहीं रहा इसकी माँ के साथ भी बाकी इसकी खुद अपनी जिंदगी के साथ भी ऐसा ही हुआ एंड द सी विच अपियर्स टू द सी और फिर सी और पीछे समंदर का था ना मैंने कहा ये बीच पर फोटो लिया गया था तो पीछे समंदर दिखता था एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस और जो लगता है कि बहुत कम चेंज हुआ चेंज लेस ज़ाहिर है जो चेंज इंसान में आती है वो नेचुरल थिंग्स में उतनी तेजी से नहीं आती है बीच जो जहाँ पर फोटोग्राफ को लिया गया है तो वो वैसा ही होगा वो ज़्यादातर वैसा ही होगा उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं की होगी बीच जैसे दिखता है वो खुला इलाका और साथ में एक पानी ही पानी वाला हिस्सा समंदर वाला हिस्सा और बीच में बीच का हिस्सा तो वो जैसे था तो वो वैसे ही है वो उसी के लिए इसने लिखा है एंड द सी विच ए पियर्स टू और वो सी यानी कि उस फोटोग्राफ में सी जो दिखता है जैसा है वो हकीकत में वैसा ही है विच एपियर्स टू हैव चेंज लेस जो लगता है कि बहुत कम चेंज हुआ है washed terribly, washed टेरिबली ट्रांजिएंट फीट और ये सी जो था वॉश करता था उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मतलब दो देता दो रहा था इनके इनके पाँव तक वो पानी चढ़ता था कौन तो से किस तरह के पाँव इसके लिए लिखा इसने टेरिबली ट्रांजिएंट टेरिबली ट्रांजिएंट बहुत ही ज्यादा चेंज होने वाले ट्रांजिटोरी ट्रांजिटोरी मतलब बदलने वाले चेंज होने तब्दील होने वाले जो एकदम बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और टेरिबली जब इसके पीछे लगाया गया तो ज़ाहिर है ये आ, इंटेंसिफायर के तौर पर यूज़ हुआ है यानी कि इससे ज़्यादा ट्रांजिएंट जो है और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है ट्रांजिएंट से मतलब जो बदलने वाला तेज़ी से बदलने वाला और टेरिबली पीछे लगाए तो और ज़्यादा तेज़ी से बदलने वाले की सेंस आएगी और वो इसके, पै, इस, इसके पैर इसके पैरों इसके इनके पैरों के इनके इन लड़कियों के पैरों के तेज़ी से बदलने वाले जो अक्स ंचा है इनकी इनकी डिस्क्रिप्शन दी है इन पैरों को यानी कि बहुत तेजी से बदलते हुए पैरों को वॉश कर रहे थे दो रहे, दो रहा था सी जाहिर समंदर का पानी इनके पाओं के साथ टकरा रहा था यह फोटोग्राफ में दिखता है फोटोग्राफ में दिखता है कि इनके पैरों के साथ ये पानी तेजी से ये इनके पैरों की लड़कियों के पैरों के साथ टकरा रहा था तभी तो पैडलिंग का भी वर्ड आया ऊपर तो ये पैरों के लिए इसने वर्ड्स यूज किए हैं टेरिबली ट्रांसेंट वो मेटाफोरिकली इसने कहा कि बड़ी तेज़ी से बदलने वाले पैर बड़ी तेज़ी से बदलने वाले पैर यानी कि बहुत तेज़ी से इंसानों में चेंज आती है बहुत तेज़ी से तेज़ी से ज़िंदगी जो है आगे बढ़ती है इंसानों की ज़िंदगी जो है ज़्यादा बड़ी नहीं होती बहुत छोटी होती है, बहुत तेज़ी से चेंज आती है बचपना फिर जवानी फिर अधेड़ उम्र फिर बुढ़ापा तो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है ये भी आगे पढ़ेंगे हम कि किस तरह से इतनी तेज़ी से चेंज होती है इंसानों में अब वो, वो जब वो फोटोग्राफ लिया गया था उसके बीस या तीस साल के बाद शीड लाफ एट दॉट तो वो हंसती उस स्नैपशॉट पर स्नैपशॉट उसी फोटोग्राफ के लिए कहा गया स्नैपशॉट आज भी बोलते हैं हम स्नैप्स लेना तो स्नैपशॉट उस फोटोग्राफ के लिए कहा गया तो वो हंसती उस स्नैपशॉट पर बीस तीस साल के बाद यानी एग्जैक्टली ये इसको पता नहीं है लेकिन बीस तीस साल के बाद वो हस्ती ज़ाहिर है इसे अंदाजा ये है कि आगे की आले आने वाले दौर में वो इस अपने फोटो को अपने बचपन के दौर को याद करते हुए हंसती थी उसको उसके चेहरे पर हंसी आ जाती थी तो एक याद की बात है इसमें याद का आना और उसको हंसी आती थी और वो क्या कहती थी उसको हंस के उसको कहती थी सी बेटी एंड डॉली देखो बेटी और बेटी और डॉली को ये जाहिर दो लड़कियां हैं वो जो गर्ल का जिन जिनका ऊपर जिक्र आया है तो एक का नाम बेटी है दूसरी का नाम डॉली है देखो बेटी और डॉली को बेटी और डॉली को देखो और वो हंसते हुए कहती शिव से वो कहते वो, कहते, वो कहते वो कहती एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच और देखो कि किस तरह से उन्होंने हमें ड्रेस किया था बीच के लिए। बीच पर, आ, तफरी के लिए बीच पर लिया गया था हमें तो किस तरह से उन्होंने हमें ड्रेस किया था मैं कपड़े पहनाए थे किस तरह से उन्होंने हमारे कपड़े पहनाए थे जाहिर है जब वो बचपन में थी अपने आ, किसी बड़े अपने माँ बाप के साथ ही लिया गया होगा फोटोग्राफ उठाने के लिए बीच पर सर वफरी के दौर में तो उस वक्त जो है किस तरह से उनको कपड़े पहनाए गए थे जारे अच्छी तरह से सजाया होगा अच्छी तरह से कपड़े पहनाए होंगे बचपन के कपड़े तो अब वो इन्हीं कपड़ों को देख के अपने फोटो को देख के मुस्कराती हुई कहती है देखो बेटी और डाली साइड में और वो कहती है कि किस तरह से उनने हमारे हमने कपड़े पहनाए थे बीच पर और ओवरऑल इसका मतलब ये है कि ये यादें वापस ताज़ा करती है इसकी माँ उस फोटो को देख के अपनी यादें उसको ताज़ा होती हैं बचपन की द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट और ये जो सी हॉलीडे था ये उसका पास था यानी कि सी हॉलीडे पर जो बीच पर जो ही मैंने कहा सैर उफरी के लिए लिया गया था इनको इन लड़कियों को बीच पर तो ये सी हॉलीडे जो था ये समंदर पर छुट्टियां गुजारने का जो टाइम था ये उसका पुराना था पुराना था ये पास था ये इसका ये इसका पुराना जमाना था उस दौर में ये पिछले यानी कि बचपन में ये इस तरह हुआ था इसकी माँ ने माँ को लिया गया था और वहां ने फोटोग्राफ उठाया था इस बच्ची का उस वक़्त ये बच्ची थी इसकी माँ तो ये उसका पास था ये पुराना जमाने की बात है क्योंकि ज़ाहिर ये अब फोटोग्राफ को देख रह, के देख के बोल रही है ये इसकी माँ अब बड़े होके और ये कब कह रही है ये जब दोनों मां बेटी फोटोग्राफ को इकट्ठी देख रही हैं ऊपर जो हमने पढ़ा यहाँ से कि बेटी एंड डॉली अस फॉर द बीच ये जो कहती थी का अब ये ये दोनों माँ बेटी अब जब कहीं बैठी हुई हैं तो वहां पर इसकी माँ कहती है फोटोग्राफ को देख के, के देखो आ, के किस तरह से उन्होंने हमें ड्रेसअप किया था द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट और ये सी हॉलीडे उसका पुराना दौर था पुराने ज़माने में ऐसा हुआ था ज़ाहिर है ये उसकी पुरानी याद थी माइन इज़ हर लाफ्टर और मेरी उसकी लाफ्टर है मेरे मेरी उसकी हंसी है मेरी उसकी हंसी है यानी कि उसमें जो मुस्कुराहट थी वो अब बस यही है इसके पास अब इसकी माँ की हंसी उस फोटोग्राफ के अंदर फोटोग्राफ के अंदर इसकी इसकी माँ की हंसी है बस यही है इसके पास और कुछ नहीं है अब नीचे पड़ेंगे हम कि इसकी माँ की भी डेथ हो गई है तो जाहिर है कि ये जो लाफ्टर है फ़ोटोग्राफ के अंदर ये ही इतनी चीज़ बात रही है अब इस हमारी पोइट के पास उसकी वो हंसी फोटोग्राफ के अंदर ये भी एक याद है आ, इसकी माँ की जब उसकी मां इस फोटोग्राफ को देखती थी और हंस के कहती थी क्या कहती थी सी बेटी एंड एंड डॉली शी वुड से वो कहती लुक हाउ दे अस बीच ये देखो और किस तरह से वो हमें ड्रेस कर देते बीच पर तो जाहिर है फोटोग्राफ की हंसी के नहीं बल्कि ये हंसी जब वो हंसती उस स्नैपशॉट पर तो और फिर कहती के, किस तरह से हमें बीच पर लिया गया था बचपन के दौर में जब वो बारह साल की या इस तरह की थी तो उस वक्त जब वो फ़ोटो उठाया गया था तो उस वक्त जो हंस के कहती थी देखो बेटी और डाली को कैसे हमारे सामने हमारा बेटी और डाली को दोनों को देखो और किस तरह से हमको हम सब को यानी हम तीनों को ड्रेस किया था बीच पर के लिए बीच के लिए तो इस पर वो हंसती और ये जो जाहिर है यहाँ पर जो लिखा हुआ है शिववुड से शिववुड से ही अंदाज़ा लगता है कि ये वो कहती थी ऐसा ऐसा कह कहा करती थी वो करती थी ऐसा कहती थी वो पास्ट की सेंस इसी से आती है और जाहिर है कि ये वो अब नहीं कह रही ये पुरानी बात थी और ये हंसनी हस हंसी उसकी ये भी पुरानी बात है ये भी गई गुजरी, गुजरी बात है ये गुजरा हुआ और जो इसकी माँ का जो पास्ट है वो उससे भी पास्ट है जो माँ का वो जो फोटोग्राफ वाला पास्ट यानी कि माँ जो उस फोटोग्राफ में थी वो उससे भी पास्ट जो उससे भी पुराना है और इन दोनों के लिए आगे यही ही लिखा यहाँ पर बोथ राई विबर इज ऑफ लॉस ये इन दो बातों के लिए है एक जे के सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट यानी इसकी माँ का पास्ट और दूसरा पास्ट माइन इजर लाफ्टर मेरी उसकी हंसी यानी बट उतनी हंसी जो वो भी एक याद है वो भी एक याद है फोटोग्राफ भी एक याद है इसकी माँ का या इसकी माँ की याद और दूसरी याद ये वो है जो उसका हंसना है इसकी माँ का हंसना है ये भी एक याद है ये दोनों यादें हैं दो दो पिछली बातें हैं इसकी माँ का पिछला ज़माना अब इसके लिए भी एक याद है वो इसकी माँ के लिए भी एक याद था अब वो माँ जब इस फोटोग्राफ को देखती थी वो हंसती थी वो मुस्कराती थी और वो कहती थी कुछ बातें तो वो भी एक याद ही है उसकी उस हंसी की याद भी है इसकी इस उसकी की इसके लिए और दोनों क्या है विद लेबर्ड इज ऑफ लॉस और ये दोनों राई हैं अब लेबर्ड इज ऑफ लॉस के से और राई से मतलब है कवर्ड यानी कि दोनों के दोनों अब छुपी हुई हैं पर्दा है इन पर या आ, ये भी कह सकते हैं हम दोनों में एक टेड़पन आ गया है एक ट्विस्ट आया है एक चुकाव है और दोनों किसके लिए जो पान है विद लेबर्ड इज अ लॉस लेबर्ड बोथ राइ विद लेबर्ड इज अ लॉस लेबर्ड इज अ लॉस के जरिए से मतलब लेबर्ड इज ऑफ लॉस जो जो लॉस की जो ईज है मतलब जो नुकसान है बात हल जो दुख है जिसकी माँ माँ का चले जाना और वो पर जमाना गुजर जाना आगे वक़्त का आगे बढ़ जाना पिछली यादें ही यादें ही रहना तो ये लास है इंसान को जो चला गया ज़माना चला गया ये टाइम के सेंस से भी एक लॉस होता है जो पीछे पिछली बातें गई वो गज, गई, गई गई गुजरी वो निकल गया ज़माना आगे आ गया दौर तो एक लॉस तो ये है इससे अब लेबर ईज लॉस लेबर्ड ईज ऑफ लॉस ईज ऑफ लॉस यानी कि अब एक तरफ से लॉस है दूसरी तरफ से आदमी ईज की तलाश में एक कोशिश है कि इंसान तो भी ईज चाहे उसके लिए मतलब सुकून सुकून की तलाश एक नॉर्मल होने की अंदाज में बनने की जो जो तो 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 तलाश है इंसान की और उसके लिए जो जद्दो है वजहद इसके लिए जो को कोशिश है इसी के लिए इसने कहा लेबर इज ऑफ लाश यानी कि लाश में नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए अपने अंदर सुकून पैदा करने के लिए दोबारा अपने अंदर वो एहसास पैदा करने के लिए पीसफुलनेस की तलाश के लिए लाश के बावजूद एक किस्म का सुकून हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद करना पड़ती है जो तो जदोजहद की जाती है जो लेबर्ड ईज़ बन जाती है लाश की लाश की जो लेबर्ड ईज़ है लेबर्ड ईज मतलब जद्दोजहद करके कोई ईज हासिल करना इंसान मुश्किल उठा के सख्ती झेल के बर्दाश्त करके जो ईज़ हासिल करे लाश के लिए लाश के बारे में नुकसान के बारे में पुराने ज़माने के खयालत की तड़प जो है उन तड़प पर कंट्रोल हासिल करने के लिए सुकून पैदा करने के लिए जो जो इंसान जदोजहद करता है ये दोनों इसमें छुपी हुई हैं राई से ये मतलब भी निकल सकता है दोनों बातें इसमें छुपी हुई हैं इस बातें दोनों तरफ बातें इसमें दबी हुई हैं या फिर दूसरे मतलब एक मतलब तंज़िया तौर से उसमें एक टेढ़ापन है जो, जो तं, तंज की जो सेंस आती है राई से वो ये है कि एक टेढ़ापन है एक आ, मतलब जो तकलीफ को दबाने का एक वो 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 कज है एक टेढ़ापन भी है उसका एहसास भी मतलब उसका भी जिक्र है उसका भी अंदाज है इस लाइन में बोथ राई विद लेबर इज अफ लाश बहुत दोनों राई हैं इस लेबर इज अफ अफलास में उस पर सुकून हासिल करने के लिए जो जो जदोजहद इसने तड़प को दबाने के लिए जो जो दर्द जो लाश का दर्द है उसको कंट्रोल करने के लिए जो जदोजहदो लेबर लेबर किया जो तकलीफ उठाई ये उसमें भी एक कज है एक टेढ़ापन है और दबी दबी हैं ये दोनों चीजें यानी कि वो द सी वाज हर पास्ट ये उसका हर पास्ट था ये याद भी और माइन हिजर लाफ्टर ये याद भी मेरी उसकी लाफ्टर है ये याद भी ये दोनों यादें एक याद तो इसकी माँ की याद भी थी लेकिन अब वो इसकी याद भी है दूसरी बा, बात वो जो हंसती थी इस फ़ोटोग्राफ़र वो अब इसकी याद है ये दोनों यादें जो हैं ये राई हैं मैं एक वो तंज की कन तंज का इशारा है कि ये दोनों दब के हैं अब उस लेबर इज़ ऑफ लॉस के अंदर साफ ज़ाहिर है कि पोइट कोशिश कर रही है उस नुकसान को बर्दाश्त करने की और एक मतलब एक सुकून लाने की अपने अंदर इस मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए